अगर हम भी तकरीर वगैरह ना करते, सुकून से लेटे रहते, ड्रामा किए रखते, फिर हम भी मानते कि यार बीमार थे। अब वो ये उन्होंने अपने आपको जाहिर करके ना हमें और ज्यादा लोग वार करवाया। बीमार तो नहीं है, सबसे अच्छे है शेर को लाहौर वापस आना चाहिए, नवाशी की कुमत आनी चाहिए, इमरान खान की कुमत जानी चाहिए। जब यहाँ से गए तब तो बीमार थे वो, फिर उन्होंने बाहर से अच्छी कोई मेडिसिन खा ली होगी जो यहाँ पे नहीं मिलती। सुकून की कब्र उनकी वो है लंदन। लंदन बीमार है या नहीं सवाल ये नहीं, बीमार नहीं है वो। इमरान खान कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ दिया है तो वो बाहर गए हैं। मैं भी बीमार हूँ, अभी भी बीमार हूँ, स्टैंड डला हुआ है, हार्ट का पेशेंट हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उबैद भट्टी हूँ और आप डेली न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, आज दोबारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान से वो अदालत से अपनी इलाज के लिए बेल लेकर वो लंदन गए थे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और किसी भी वक्त उनको कुछ हो सकता है, इसी बुनियाद पर उन्हें लंदन जाने की इजाज़त मिली। लेकिन इस वक्त आप सब देख रहे हैं कि वो कौमी नेशनल टीवी पर, उन्होंने इससे पहले एपीसी से खताब किया, उसके बाद उन्होंने 30 सितंबर को जो है अपनी पार्टी रहनुमाओं से खताब किया, उसके बाद 1 अक्टूबर यानी आज के दिन दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए लोगों से पूछते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हैं भी या नहीं। नवाज शरीफ साहब लंदन गए इलाज के लिए, वहाँ से बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, आपके ख्याल से वो बीमार हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं, सारी ड्रामे बाजी है, आवाम को बुद्धू बनाया हुआ है, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल सही सलामत है, मुझे कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे आवाम दलील हो रही है। मतलब बीमारी का जो यहाँ पे वो सारा रोला बना था, मर गए अभी मर जाएंगे, सुबह निकालो ये वो, तो वो आपके ख्याल से बीमारी नहीं थी या अब बीमार नहीं है? वो भी बीमारी नहीं थी, अब भी बीमार नहीं है, सारी ड्रामे बाजी है, ये आवाम को बुद्धू बनाया हुआ है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। आपके ख्याल से नवाज शरीफ बीमार हैं या नहीं? वो बहुत ज्यादा बीमार हैं और बीमारी का नाम ही है कि बाहर जाकर सुकून करना, इस सबसे अच्छी बीमारी का नाम ही है सुकून, वो सुकून लेने के लिए गए हुए हैं। अब देखो खिताब में या किसी चीज में लगता है वो बीमार है। आप बीमार होके घंटा तकरीर कर लेंगे टीवी पे खड़े होकर? बीमार होके तो मेरा हालत 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो जाता। मियां साहब ने 52 मिनट की तकरीर की, वो फिर उन्होंने बाहर से अच्छी कोई मेडिसिन खा ली होगी जो यहाँ पे नहीं मिलती। मतलब फिर आपको ये लगता है कि बीमार हैं या नहीं, मतलब सिंपल बताएं। मैं अपनी राय दूं तो मुझे तो फिर यही लगेगा ना सारा कुछ तासुरात देख के कि वो बीमार नहीं है। आपको क्या लगता है बीमार हैं? नहीं, ड्रामेबाजी है बॉस, यकीन करें ड्रामेबाजी है। मतलब बीमारी नहीं है, ड्रामेबाजी? ड्रामेबाजी है बस। तो वो वापस आएंगे आपके ख्याल से? नहीं, वापस उसी पर आएंगे जब अपने आप को वो महफूज समझेगा कि मैं पाऊंगा तो कोई टेंशन कोई मसला कोई कुछ नहीं होगा, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, तो फिर वो वापस आएगा जब इलेक्शन वगैरह के मूड में होगा तो। मतलब तब बीमारी भी ठीक हो जाएगी? हाँ, सब कुछ अभी भी आपके सामने ठीक होगी, तकरीर शुरू कर दी उन्होंने वॉकिंग शॉकिंग के साथ, अब तो माशाल्लाह काफी बेहतर हो गए हैं, बहुत जबरदस्त अब तकरीर भी कर रहे हैं, खिताब सुना आपने जबरदस्त, मैं कह रहा हूँ क्या बात है। 1 साल हो गया वहाँ पे अस्पताल नहीं गए लेकिन तकरीरें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है बीमार है? कुछ भी बीमार नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है, यहाँ पे ना आने के बहाने अगर यहाँ पे आ गए उनको पता मैं पकड़ा जाऊंगा, ये वजह। अब शहबाज शरीफ साहब है वही पकड़े गए, इंशाल्लाह वो भी जेल में जाएंगे, कोई ना कोई अपना बहाना लगा के कहेंगे मैंने भी बाहर जाना है, ये वजह। मतलब मियां साहब को कोई बीमारी नहीं, सिर्फ ये बीमारी है कि पकड़े जाने का डर? इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे और इंसाफ होगा, क्योंकि जितना ब्लैक मनी पेमेंट है इनकी सारा लंदन लेके गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में इस वक्त मौजूद हैं, आपके ख्याल से वो बीमार हैं या नहीं? बीमार हैं। कैसे? वो ठीक भी थे, बीमार हो गए, सारे कह रहे हैं बीमार। तो टीवी पे जो खिताब कह रहे हैं, बीमार बंदा घंटे का खिताब कर लेता है? घंटे का खिताब तो नहीं किया उन्होंने, एपीसी में उनका 52 मिनट का खिताब। अच्छा, चले उनको तो उतार दिया की सीट से, उतारना नहीं चाहिए था। फिर भी बीमार हैं या नहीं, मैं ये सवाल मेरा, ये तो मेरे मालिक को पता है। अभी भी बीमार है? मतलब बीमारी में घंटे का खिताब कर रहे हैं? जी, बीमारी में घंटे का खिताब कर रहे हैं, ये हकीकत है भाई, आप उनकी रिपोर्टें देखें, मेडिकल रिकॉर्ड देखें उनका, मतलब ये मेडिकल हिस्ट्री का बहुत बड़ा। इधर मैं भी बीमार हूँ, अभी भी बीमार हूँ, स्टैंड डला हुआ है, हार्ट का पेशेंट हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं जुबान भी बंद कर लूँ। घंटा तकरीर करेंगे? घंटा का मैं 6 घंटे तकरीर करूंगा भाई, सारे मेडिसिन खाऊंगा अपनी। मतलब आप मेरे अपने लीडर का असर है पूरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लीडर जिंदाबाद। ये सब वापस आएंगे इंशाल्लाह? कब? जल्द आएंगे। जल्द कब? नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे इंशाल्लाह आएंगे, पक्की बात। अगर ना आए तो मैं आपके पास दोबारा आ जाऊँ भाई, ना आए तो आइए दोबारा, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, कौन सी बात है भाई। बड़ा आदमी कोई भी बीमार होता है वो बाहर ही जाता है, इसमें नवाज शरीफ साहब हो कोई भी हो, उसने तो बाहर ही जाना है ना। इलाज के लिए लंदन गए थे,
तो अब इलाज अगर हो गया है, बीमार नहीं है, तो फिर तो वापस आना चाहिए। वापस नहीं, यहाँ के डॉक्टर हमारे लिए हैं, यहाँ के डॉक्टर हमारे लिए हैं, अच्छे डॉक्टर उनके लिए हैं। जो भी इमरान खान बीमार हो जाए बाहर जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम ये थरा साहब जो डॉक्टर इनके पास जाएंगे। तो मतलब मियां साहब बीमार इस वक्त नहीं है? बीमार है, हाँ जी, उनको वो बीमार है ना, उनको पैसों की जरूरत है, मैंने भेजने हैं। मैं TCS करवाना चाह रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहे। पार्सल करवाना चाह रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहे। वो बेचारे उधर जाके गरीब हो गए। वो बीमार है, उधर बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। आपके लिए लंदन में बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, वो सोच रहे हैं मैं पाकिस्तान जाऊँ और दोबारा इलेक्शन लड़ूँ, वज़ीर आज़म बनूँ और हमारी सहूलियात का सबब बने। अच्छा, लंदन में बैठ के वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम के लिए जाऊँ, वज़ीर आज़म बनूँ और दोबारा से सहूलियात दूँ। जी बिल्कुल, इतनी तो महंगाई हो गई, बुरा हाल हो गया, मेरी जेबें खाली हो गई है, जिसमें कभी पैसे ही खत्म नहीं हुए। जब यहाँ से गए तब तो बीमार थे, की वजह से हुआ है। ये वक्ती तौर पे बीमार बने, उनकी नजरों में, इमरान खान की नजरों में फिलहाल बीमार बने हुए हैं। जब वो यहाँ पे आएंगे ना लाहौर में दोबारा, फिर शेर होगा। बीमार तो थे जब गए थे यहाँ से, बीमारी के उसमें गए थे ना, तो वहाँ पे जाके अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे दी, तो कोई मसला नहीं है। अब टीवी बैठे खिताब कर भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वापस क्यों नहीं आ रहे? वापस तो जाहिर सी बात है, जिस तरह गवर्नमेंट ने भेजा वैसे ही बुला भी ले सकती है, गवर्नमेंट बुलाना चाहे तो। क्यों नहीं, गवर्नमेंट तो बुला रही है, अदालत ने बुलाया, वो आ नहीं रहे, वो उनके मसला है क्यों नहीं आ रहे वो, ठीक है ना। लेकिन आना तो उनको चाहिए, जब बुला रहे तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे जब तक कमिटमेंट नहीं होगी किसी किस्म की उनसे। तो इस तरह बीमार हैं अभी या नहीं आपके ख्याल? जाहिर सी बात है, हर बंदा बीमार होता है, ठीक भी हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। अब ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि वो है बीमार या नहीं बीमार। हम भी बीमार होते हैं, एक दिन दो दिन तीसरा बंदा सेहतमंद हो जाता है। हम या बीमार होंगे, हम कब्र में जाएंगे, ये सबसे आसान बीमारी है हमारे लिए। उनके लिए यही है कि उनकी कब्र वो है, सुकून की कब्र उनकी वो है, लंदन। लंदन आपके ख्याल से मियां साहब बीमार हैं या नहीं? आप टीवी पे उनको देख रहे हैं, स्पीचेस कर रहे हैं, आज भी की है, कल भी की थी, 20 को भी की थी, आपको क्या लगता है बीमार है? मुझे यही लगता है कि वो बीमार नहीं है, लेकिन इन्होंने इनको भेजा है तो ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका। वो भेजने की बात अलग हो गई। मियाँ साहब कहते हैं मैं बीमार हूँ, बड़ा शदीद नूनली कहती है मर जाएंगे, मरने वाले थे, मुझे दिया। बीमार हैं या नहीं सवाल ये? नहीं, बीमार नहीं है वो, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। वो यही है कि जो ये हुकूमत के हवाले से बस जेनी टेंशन, मतलब ये जेनी टेंशन, ये बीमारी है और कोई बीमारी, बस नूर कोई बीमारी नहीं है, बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, और अल्लाह उनको सेहत दे, वो बिल्कुल ठीक है, मेरी दुआ उनके साथ है। आपका क्या ख्याल है, मियाँ साहब बीमार हैं? जी बीमार ही होंगे वो, होंगे या नहीं, नहीं हैं या नहीं, बीमार है वो। बीमार बंदा तकरीर करता घंटे घंटे कर सकता है, मजबूरी भी हो सकती है बीमारी के पीछे, बीमारी के पीछे मजबूरी हो सकती है। मतलब आप बीमार हो, आप घंटा तकरीर कर लेंगे? हाँ कर लूंगा, पक्की बात है कर लूंगा। आपको क्या लगता है कि मियां साहब बीमार हैं या नहीं है? भजन इसमें हम कुछ भी राय नहीं दे सकते, एक बंदा हमारे सामने हो तो हम कुछ कह सकते हैं कि सही है कि गलत है, वो उधर बैठे हैं, हमें कोई पता नहीं। हमें नहीं, टीवी पे एक बंदा आ रहा है घंटे की तकरीर कर रहा है, उसको देख के आपको अंदाजा कुछ ना कुछ पता तो लगता होगा। ये लगेगा ना कि ठीक है, उससे तो यही जाहिर होता है कि ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर किसी चीज में मर्जी में मुबतला है तो फिर वो कैसे ये तकरीरें हो सकती हैं, कैसे ये सारा कुछ हो सकता है? मतलब ये हुआ कि आपको भी नहीं लगता कि वो बीमार है? ऐसे ही है, बीमार हो सकते हों जिनकी वैसे उनकी जितनी उम्र है, इस उम्र में आगे बंदा बीमार हो ही जाता है। भाई यही है कि आगे फिर मुकाबला करें ना, हम भी नवाशिर के साथ हैं, हमने वोट भी नवाशिर को डाला, लेकिन इस तरह हम सबको छोड़ के अकेला चला गया, हमने दूसरे बंदे बातें करते हैं। आपको क्या लगता है ये सब बीमार है? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि बीमार है? होंगे लेकिन लग नहीं रहा, वैसे भी मैं न्यूज नहीं देखता इतनी, अल्लाह बेहतर जानता है क्या बीमार है नहीं है, जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है, या वो खुद जानते हुए। जब यहाँ से गए तब तो बीमार थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की टीम ने कहा था कि बीमार है, बल्कि पूरी टीम ने कहा था बीमार। अब इस वक्त आपको क्या लगता है? अब इस वक्त तो सेहतमंद है, अब उनको चाहिए कि आगे फेस करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि वो बीमार हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बीमार है अभी नहीं, जैसे चाय पी रहे हैं बाहर जाके, सीढ़ियाँ चढ़े हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये बंदा बीमार थोड़ी होता है। बीमार तो वो घंटे की तकरीर कर सर, घंटे घंटे की तकरीर करे, वो भी लाइव टीवी पे बैठ के, तो क्या कमर नहीं दर्द होती? बुढ़े आदमी है वो, ठीक है। हम मेरा बोर्ड नून लीग का ही है और हमेशा नून लीग का ही रहा है, मैं उनका सपोर्टर हूँ नून लीग का। लेकिन आजकल जो इमरान खान साहब ना, इनको जेलों में डाली जा रहे हैं, वे पकड़ी जा रहे हैं, अगर उन्होंने करप्शन की है तो एक पाए भी ये नहीं ला सके, उनसे वापस नहीं लिए, उनको पकड़ के जेलों में डाली जा रहे हैं, ये काय का असूल है। मतलब कि बीमारी जो है वो यही है कि डर है कि पड़े जाएंगे, मुश्किल है, वो इसीलिए वापस नहीं आ रहे कि अगर मैं वापस आऊँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है
कि वो वापिस जब तक उनकी हुकूमत नहीं आती तब तक नहीं आएगी। फारिग ही हो गया नवाज शरीफ से, वो बाहर चला गया, मैं अकेला छोड़ गया यहाँ पे वो। तो आपके ख्याल से वो लीडर हैं जो छोड़ के बाहर चले गए? सर वो नहीं, लीडर मैं नहीं मानता। फिर अपना इलाज, बीमार भी नहीं थे, बाहर चले गए और आवाम इधर बैठी, आपने उनको वोट दिया, आप इधर बैठे। बस इसी तरह ही है भाईजान, अब समझ लें कि मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अब शर्मिंदगी, हम सही होने के बावजूद भी अब शर्मिंदा है पीटीआई वालों के सामने। आपकी उम्र कितनी? मेरी सर 47। मतलब आपके घर में भी कोई बुजुर्ग वगैरह होंगे ना, तो इस तरह इतनी उम्र में इस तरह तकरीरें और ये सारा कुछ? और जबरदस्त कैसा जलालो जलाल में उन्होंने तकरीर की है कि मैं कहता हूँ क्या बात है, पर जोश आप तो सुनना ही होगा, आप लोगों को तो मीडिया के साथ वाबस्ता है, आपको ज्यादा पता है मुझसे कि तकरीर बंदा आम तरीके से तो नहीं कर सकता, अगर बीमार हो या कुछ उससे तो लफ्ज नहीं मिलेंगे आपस में। जब आपकी एनर्जी आपके अंदर है, पावर है आपके अंदर, तो आप बात कर सकते हैं ना किसी के साथ। मतलब साबित ये हुआ कि मियां साहब बीमार नहीं है, अपने वोटरों को गोली करा के निकल। अगर हम ये तकरीर वगैरह ना करते, सुकून से लेटे रहते, ड्रामा किए रखते, फिर हम भी मानते कि यार बीमार थे। अब वो ये उन्होंने अपने आप को जाहिर करके ना हमें और ज्यादा लोग खबर करवाया। ये बीमार तो नहीं है, सबसे अच्छे है शेर को लाहौर वापिस आना चाहिए, नवाशी की कुमत आनी चाहिए, इमरान खान की कुमत जानी चाहिए। नहीं तो शेर थे तो फिर बीमारी के नाम पे भाग क्यों गए? ये वे बीमारी ऐसी तो गए थे, साल हो गए। आप ही देखे, मंदा जब वे बीमार होता है ठीक तो वो होगा या नहीं होगा? अस्पताल भी नहीं गया, ठीक हो गया यार। वो पाकिस्तान से भागे हैं, एक तरह से भागे हैं, अब वो ठीक हो गए, अब आएंगे, जब आएंगे वे मुकाबला करेंगे, 2.5 साल रह गए हैं। मतलब कि जब बीमार नहीं भी होते तो भाग जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और वापस आते हैं, मतलब फिर ठीक हो गए। उनके खिलाफ काफी कानूनी कार्रवाई हुई, इसी वजह से उन्होंने काफी पैसा लगाया, भाग गए। अब उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, अब जब तक इमरान खान की हुकूमत है पाकिस्तान नवाज शरीफ नहीं आएगा। जी तो नाजरीन, आपने आवाम की राय सुन ली है, लाहौर के शहरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या राय रखते हैं कि वो बीमार हैं या नहीं हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट, अपनी राय जो है कि आपको क्या लगता है कि मियां साहब बीमार हैं या नहीं हैं, उसे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान उबैद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।